वेलकम टू माई चैनल। और आज मैं बना रही हूँ हरी उड़द की दाल की खिचड़ी, उसके साथ रायता। और सबसे पहले हम जो है हरी उड़द की दाल को आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। मैंने हाफ कप दाल दी और हाफ केजी चावल लिए हैं, और चावलों को भी आधे घंटे के लिए सोक कर लेंगे। एक पैन में जो है हम तेल गरम करेंगे। मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, और इसको मैं थोड़ा सा गरम करूँगी ताकि इसकी जो है स्मेल और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर उसमें हमने दो इलायची, तीन चार काली मिर्चें, दो लौंगे, दो दालचीनी और इस तरह से थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, और इसको जो है वो हमने मस्टर्ड ऑयल में डाला है। और इसको बस हल्का हल्का से घुमाना है, गरम करना है। कोशिश ये करें कि ये जले ना, हल्का सा ये थोड़ा सा ये उसमें खुशबू आना शुरू होगी तो हम इसमें डाल देंगे प्याज। और प्याज के बाद हल्का सा इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे, थोड़ी सी पिंकिश पिंकिश भी हो जाए तो चलेगा। उसके बाद इसके अंदर जो है हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको भूनेंगे। फिर सोके हुए चावल और दाल मिक्स करके डालेंगे, और थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसमें नमक और कुटी लाल मिर्चा डाल देंगे। मैं थोड़ा टेस्ट के लिए डाल रही हूँ, आप लोग चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद बस हमने इसको मिक्स किया और हम इसको उबाल आने के लिए रख देंगे। जब इस पर उबाल आ जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा, थोड़ा पानी रह जाता है तो ढक्कन ढक देंगे इसको दम के लिए। और फिर थोड़ी देर बाद 5 से 10 मिनट बाद, 10 मिनट अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट बाद जब हम खोलेंगे तो ये रेडी हो चुका होगा। ये आपके चावलों के ऊपर है कि कितनी देर तक ये सोक होता है, ठीक है। और उसके बाद जब ये बन जाएगा तो अब हम बनाएंगे रायता। मैंने सोचा क्यों ना आज कप में बना के देखते हैं, बहुत ही डिलीशियस बनता है। मैंने दही में काली मिर्च और नमक डाल के इसको फेंट लिया। उसके बाद एक लेयर मैंने प्याज की, टमाटर की, खीरे की, हरी मिर्च वगैरह की लगाई। खीरा आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, डालना चाहें तो डाल दें। फिर उसके बाद इसको रायते से कवर किया, एक और लेयर लगाई रायते की, यानी कि दही की। दही को मैंने ऑलरेडी पानी में, उसमें पानी थोड़ा सा मिला के नमक और काली मिर्च में मैंने मिक्स कर लिया था तो वो थोड़ा सा पतला हो गया था। हम वैसे यहाँ गाढ़ा लेंगे तो मैंने थोड़ा सा जो थिक वाला था वो भी इसके अंदर ऐड कर लिया, और इनकी लेयरिंग करके मैंने इन्हें एक साइड पे कर दिया है। आप चाहें तो उसको मिक्स कर सकते हैं, जिसे कचुंबर सैलेड जो कहलाती है। अब ये सैलेड भी हो गई और रायता भी हो गया है, और खिचड़ी के साथ इंजॉय करें गर्मी के मौसम में, और बताएं कैसे बना। गर्मी में तो वैसे भी हल्की चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, हरी उड़द की मूँग की दाल वाली खिचड़ी। और आप चाहें तो इसकी जगह कोई और भी दाल यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।